so much. How are you? Good, good. Thank you so much. You are looking as handsome as ever. Shahrukh, suna hai ki ye film ka jo role hai aapka dwarf ka, it's a very toughest role till date. So, aapko bhi kya aisa lagta hai? What were the really physical challenges to play this? No, honestly, main aapko bolunga, mere liye ye easier tha. Genuinely, Anushka ke liye bahut difficult hai. Kyunki the kirdar she's playing is based on something which at times is a special ability or a disability, as is not to be said now. You know, to pull that off, maine bahut thoda maine Miss Khan mein kiya hai. Wo bahut zaruri hota hai, uski jo detailing hai. कहीं पर भी वो गलत दर्शाया ना जाए. एंड सिमिलरली फॉर कटरीना, बिकॉज लाइक आई मेंशन पर्सनली, आई थिंक मेरी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा आसान हमारी सिनेमाटोग्राफर टीम ने और वीएफएक्स टीम ने सॉल्व कर दी थी. आई थिंक उन्होंने हमको इतना हैरी, आई डोंट नो इफ ही इज़ हियर और नॉट, ही गेव अस सो मच फ्रीडम दैट आनंद सर, माईसेल्फ एंड ऑल द क्रिएटिव पीपल, हिमांशु ऑन सेट्स एंड ऑल द चीफ एडीज अनिरुद्ध, वी हैड द फ्रीडम कि यार हम अपनी एक्सप्रेशन करें. दे आई ऑल्सो आई थिंक इन मोर ऑफन देन नॉट वी डिडंट बाइंड द अदर एक्टर्स कि यार ये टेक्निकल है आप लोग को. ऑफकोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस ऑन अनुष्का स्पार्ट एंड कटरीना स्पार्ट एज एक्टर्स टू वेट फॉर 4 आवर्स बिटवीन शॉट्स. आई थिंक मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज जब पहली बार 8-9 महीने के बाद वो बनकर आया, जो आप लोगों ने पहला टीजर देखा था, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमारे को बहुत फ्रीडम है. और आज भी हम जब फिल्म ख़त्म कर रहे हैं, पोस्टिंग में है अभी, दे लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर डिस्कवरिंग एंड इन्वेंटिंग अबाउट दिस वीएफएक्स स्टफ. सो इट्स बीन ईज्ड ऑफ, सो इट वाजंट सो डिफिकल्ट फॉर मी एज आई थिंक वाज फॉर द एक्टर्स, फॉर द कैरेक्टर्स प्लस द पेशेंस दे हैड टू शो विद मी. एक सेकंड मैम, देयर इज दिस जेंटलमैन हु हैज बीन वेटिंग टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर रियली लॉन्ग. सर आप पूछ लीजिए ना, आपकी आवाज बड़ी बुलंद है. Thank you very much. Thank you. मतलब young days means? तेरी क्या उम्र है? दाढ़ी को dye किया ना तूने? Dye किया ना दाढ़ी तूने? फिर क्या बोल रहा है मुझसे young age? अब बोल रहा है कॉलेज डेज अभी. हाँ अब्बू बुड्ढा है ये. जो आए दिखा रहे नहीं, बट ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं तेरे को यार, कि सीरियसली अगेन मैं बार बार हमारी टीम पे ज्यादा जा रहा हूँ, मेनली बिकॉज ये ऐसी फिल्म है जिसमें जेन्युइनली फिल्म बनानी नहीं है, फिल्म जीनी थी. और ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है. और रोज़मर्रा की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे की दिक्कत होती है, घर की दिक्कत होती है, छोटी छोटी नौकरी की दिक्कत होती है. और ऐसा आप लोग मुझे सालों से जानते हैं, मैं कभी इस बात को झुठलाता नहीं हूँ. मैं बाहर से मूवी स्टार हूँ और लोग इतना प्यार करते हैं, बट सेम दिक्कतें सबको होती हैं. बट एक जगह पर आकर यार ऐसा करना ही पड़ता है जिंदाबाद, कि यार ज़िंदगी काटनी नहीं है हमें, यार हमें जीनी है, बिकॉज एक ही है. और उसके अंदर जैसे मैंने बोला, ये प्लीज़ मेरा फलसफा, हम लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप में से कुछ उम्र में छोटे हैं ये तो नहीं है, बाकी आप लोग हैं उम्र में छोटे जो शायद मुझसे अभी मिलना शुरू हुए हैं. और मैं बहुत वक्फे में मिलता हूँ क्योंकि फिल्में कम आती हैं, बट जेन्युइनली ये बात मेरी मान के चलेगा, आई रियली थिंक ऑफ यू एज माई ओन, ऑल ऑफ अस. एंड इट्स समथिंग आई टेल माई चिल्ड्रन, दैट एट द एंड ऑफ इट ऑल, वन लाइफ, वन बिलीफ, एंड दैट इज़ लिव इट फुलेस्ट. और अंत में ठीक ही होगा यार, जो भी आप मानते हैं, भगवान में मानते हैं, खुदा में मानते हैं, गॉड में मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं, उनको सीनियर मानते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वट एवर यू बिलीव इन, दैट फोर्स विल मेक इट ऑल राइट. थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव फॉर अदर्स, बिलीव इन द गुडनेस ऑफ लाइफ एंड इट विल रिवॉर्ड यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड कीप यू यंगर लुकिंग ऑल्सो. एक दिस जेंटलमैन हु इज इन द व्हाइट शर्ट. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. इट्स अ ग्रेट ट्रेलर, आई लाइक्ड इट रियली अ लॉट. बट द क्वेश्चन इज दैट यू नो विद टाइम बॉलीवुड हैज आल्सो इवॉल्वड एंड द फिल्म्स हैव आल्सो इवॉल्वड.
But if you see VFX, you are the one of the first few to introduce it in Bollywood with Rawan. And you've done films like Fan and now Zero. It's a difficult film to execute on screen. Does that make it, or does that interest you more when there is something related to technology in a film? No, I think I'll keep it short, because I think I've said this very often. I think a technology is should be there in everything. See how your telephones have changed over the 5 years here. So much is happening. You guys are beaming this live, you know, which wasn't possible even say 2 years ago. You know, so much has changed. And if technology is available, it can only enhance the vision of the visionary director. So it's there. I think not only in Red Chili's visual effects, there are other really wonderful companies doing work. But unless you have a director who has the vision, and it's shocking. When I got to know with Anand sir, 6 months into the film, he said, sir, maine to zyada green screen kabhi use hi nahi kiya pehle. He's never used a VFX in his film. For paucity of time, finances, first film, or just by desire. You know, you can do that. But I think this technology is necessary for a visionary director like Anand Rai to really take the vision and take the flight, to really not kato zindagi, to jio zindagi. I think cinema should take it there. And with the falls in footsteps into cinema theaters, with every small device having a cinema, I think the big film experience can only be enhanced by the vision of a director. And that, you have to use it as a tool, and it should be. It doesn't interest me personally. But it most certainly is something, as a person who's involved in films, if I can bring it to the table, I think it'll be the greatest, greatest return back I can give to cinema. One second, ma'am. There's a question coming here. Sorry, I have one more question. In addition to that, to the three of you, you know, you said that it's a director's vision. The last time you guys had done a film, it was by a special person called Yash Chopra. This time it's by Anand Rai, who's equally revered in terms of filmmaking. How different were equations on the set, you know? How easy was it to work with him, and how easy was it to work with yourselves? Because it is the second film that you're doing together, three of you. Yeah. बहुत लंबा सवाल था. I think he is a very easygoing director. He doesn't create a sense of stress or like this heaviness on set कि हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा important कर रहे हैं और हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं which is really done for the very first time. But he wouldn't make a very big deal of it. He would be like how he's on any other ordinary day when we're shooting a simple montage sequence. And I think that shows his confidence as a director. And I think he's supremely confident as a director. His vision is very, very clear to him. And that's very easy for actors, because then you can really like just, you know, rely on him and trust him. And I think I found it very easy to trust him. And I think I would always be able to follow his vision very, very clearly. And I think somewhere he is so loving as a person, you know, and he really, really takes such good care of people around that you never feel like aap kaam kar rahe hain. You know, it seems very easy. And even though, and I keep insisting this, even though hum logon ne kuch aisi cheeze kari hain jo asaan nahi hai karna, you know, despite that, he would just make the experience so easy. And I don't think ki aasan hota agar wo nahi hote aur wo ye picture direct nahi kar rahe hote to kaafi mushkil aur irritating ho sakta tha. But he made it very, very simple for us. Hi, Anushka. Shahrukh. Here. Hello. Ma'am, one second. I've already like hello, told hello, him. Hello. Shahrukh. Ask a second. Minute. Go ahead. Ask a question. Oh ho. सर ये तो गिफ्ट लेके आया है आपके लिए और वो कुछ वक्त वगैरह का फुल लाइक इट्स अ रिडल घड़ी लाया है हाँ कैच करूँगा फेंक मैं पैक पक्का पहनूंगा अभी पहनूंगा मैं हाँ शाहरुख जी हाय अनुष्का मैम ओके थ्री और फोर मोर क्वेश्चंस शाहरुख जी मेरा सवाल आपसे है यहाँ पे किधर इधर हाँ
हेलो उधर सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की मुबारक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप ठीक हो बार बार दिन ये आए और आप अच्छी अच्छी फिल्में करते जाए हर रोज होना चाहिए ना जन्मदिन मेरा राइट हम लोगों को भी मजा आएगा अच्छा मेरा सवाल ये था कि ये आपसे पहले एक बार कमल हसन जी ने पिक्चर की थी अप्पू राजा जिसमें उन्होंने बौने का किरदार निभाया था और वो पिक्चर काफ़ी हिट हुई थी लेकिन जब ऐसा सुनने में आया कि ये फिल्म के लिए आनंद एल राय जी ने बहुत सारे लोगों को पूछा लेकिन सबने ना बोला था उसमें से सलमान खान भी थे तो आपने जब ये फिल्म साइन की तो आपका क्या मतलब थॉट्स थे इस फिल्म को लेके एक्चुअली स्ट्रेंजली मैं आपको बात बताऊंगा ये इतना ट्रू नहीं है कि सर ने बहुत से पूछा और बट एक्चुअली कटरीना से इन्होंने बहुत पहले बात की थी एंड दैट टाइम सलमान ने मुझे एक्चुअली फ़ोन करके बोला कि अब एक पिक्चर आया यार तो देखो कर दे सो एक सेकंड के अंदर उसने फ़ोन करा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बताऊंगा कि द रीज़न ही केम एंड डिड दैट सॉन्ग वाज दिस कि मैं इस पिक्चर में होऊंगा ज़रूर और उसका सजेशन भी था कि कैसे करें वो थोड़ा सा अलग था हमारे जोन से कि कैसे उसको हम शूट करें उसने कहा था मास्क पहन के कर दे फटाफट यार चलना तो यार टाइम करो छोटे आदमी को किसी को मास्क पहना बच्चे को पहना तो हमने वैसा नहीं किया लेकिन द रीज़न दैट ही केम एंड डिड दिस सॉन्ग ये बहुत कम लोगों को मालूम है और सलमान जो है बहुत ही प्यारा इंसान है यार सी इफ आई वॉज लिसनिंग टू अ फिल्म फॉर वट एवर रीजन्स एंड इफ आई वॉज इन पार्ट ऑफ इट फॉर हिम टू रिमेंबर दैट अ ईयर लेटर और मंथ्स लेटर व्हेन द फिल्म वॉज एक्चुअली बींग टोल्ड टू कटरीना टू कम बैक एंड से यार इस पिक्चर में मुझे करना ज़रूर है बिकॉज आई हैव हर्ड दिस फिल्म सो आई थिंक दैट वॉज वेरी डिग्निफाइड एंड डिसेंट एंड लविंग ऑफ हिम ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड सो दैट वॉज द रीज़न और यही था ना सवाल हैदराबाद से खूब सारी विशेस फॉर यू थैंक यू सो मच सर तुम हैदराबादी तुम सही बोले जी नक्को 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 तेलुगु बोलेंगे सर हाँ बावनारा सर बावनारा सो क्यूट नाउ टुडे यू नो ऑल ऑडियंस तेलुगु विल बी फीलिंग सो हैप्पी सर बावनारा चला बावनारा बोना वो आपके मुंह से तेलुगु सुन के ना उनके साथ में जो बैठी हुई है उनके कंधे पे मतलब हंस रही है खुश होगी कि कह रही क्या तेलुगु सुनने को मिल रही है कितना अच्छा यू स्पीकिंग सो वेल हां मोना शाहरुख खान ऐसा बोलते हैं ना ऐसा है ना आई एम शाहरुख ऐसा ना मोना 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 नहीं नेनू शाहरुख खान नेनू 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 शाहरुख खान नेनू ओनली आई मीन नेनू मुन्ना है बाबा सॉरी सॉरी अच्छा सर यू आर अ किंग ऑफ रोमांस सो हर टाइम यू नो So I can see in the posters you're having full fun, and especially I want to ask Katrina and Anushka how tough because पहले तो sir पूरे full age मतलब पूरा height wide मिलती थी ना फिर नीचे Katrina को थोड़ा झुकना पड़ रहा है आपको ऊपर देखना पड़ रहा है देखो इनकी उम्र हो गई है इसकी शादी हो गई है इसकी शादी की उम्र है बच्चे होंगे बच्चों की आदत डाल रहा हूँ इनको मैं बच्चों को प्यार करेंगे ना गोद में उठाएंगे तो उसकी आदत डाल रहा हूँ इन दोनों को मैं अपनी हीरोइंस को पूरा ट्रेन करता हूँ एंड तक छोड़ता नहीं हूँ सो इसलिए तो दे ऑल नो प्रैक्टिस नाउ जैसे बच्चे होंगे लेके घूमेंगे तो ये याद करेंगे मुझको 10-12 साल 15 साल बाद इंशाल्लाह जब इनके बहुत सारे बच्चे होंगे बहुत सारे पूरी क्रिकेट बहुत सारे इंशाल्लाह कटरीना क्यों करेगी क्रिकेट क्रिकेट आ जाता है अनुष्का मैम को देख के क्रिकेट याद आ जाता है पता नहीं क्यों Hi Anushka, this is Urvi to your right. Where? Anushka. I didn't have a question. He didn't answer. Sir ne answer nahi kiya. Nahi, she wants to give. And Katrina ma'am. Aap bhi karo. How did it feel to work with half of them? Main seedhe dekh rahi hu ekdam. Haan. Kyunki I don't have to, I have to look. In fact, hamara rishta hi barabari ka hai. Very good. Very good. Matlab tumne trailer dekha hai yaar. Tumko pata hona chahiye. Do baar dekha hai. Katrina, this question is for you. Yes. क्यूट शाहरुख खान बार बार नीचे थोड़ा मुश्किल हो रहा था ना शी वांट्स टू डू दिस स्टफ या आई थिंक शी इज ट्राइंग दैट इट वाज टफ इट वाज अनयूजुअल ऑनेस्टली बिकॉज द रिलेशनशिप यू नो द नेचुरल इक्वेशन दैट यू नो वी हैव और यू हैव विद अ पर्सन हु इज लाइक दैट एंड द इक्वेशन यू विल हैव विद अ कैरेक्टर लाइक द कैरेक्टर इन दिस फिल्म it is different so you do have to I would have to be continuously conscious of that you know this height element is there
this is a person who's of a shorter stature, but he doesn't feel, the character doesn't feel himself that he's any less, and he isn't, of course, but he's got such a lively personality. He's got this amazing, you know, joy and passion for living. So it was just tricky to find and make sure it was handled in the right way, but I think that Anand sir was there with us, and that was, you know, first he was time there to when make sir sure. came for a shot in that, like, but kaisa chota ho ke thoda na kaisa yeah no, actually it's imagination's telling no it's a very technical way that the yeah. film is shot, so I don't know if you want to give out how it's shot, sir, but anything you would like to add up on that sir main chota hu lamba hu kis to milta hi hai mujhko matlab to kis se humko baaki kya lena dena hai ख्वाब देख रहे हो, हमने चांद को करीब से देखा है, क्या तुम लोग का यार? मैम पांच सवाल आप ही के हो गए हैं, आपने स्लैम बुक भरवा ली अपनी, अब मैं किसी और की तरफ बढ़ू प्लीज. शाहरुख वन सेकंड मैम, यस जस्ट